1 1 यहाँ भी रख दीजिए, और 0 आएगा, और 0 तो इवन संख्या है। रिलेशन क्या है कि ऑर्डर माने आर का, आर का मेंबर ऑर्डर पेयर में है, और दोनों का यहाँ रिलेशन है कि दोनों का अंतर का मॉडुलस क्या है। तो अपने से अपने में रिलेशन आ जाएगा नहीं? अगर हम मान लीजिए ए के जगह भी 2 रखें, बी के जगह भी 2 रखें, तो 2 में से 2 गया 0, इवन संख्या आ जा रहा है, तो अपने में तो रिलेशन है ये, ठीक है? तो उतना इतना ओवर कॉम्प्लिकेशन दिखाएंगे, बहुत लंबा होगा। तो थ्योरेटिकल लेकर के पॉलिटिक्स का जांच कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव का जांच कहेंगे कि सिंस चूंकि एक एक टाइप ए और बी के रूप में दिया है, ए ए बिलोंग्स टू आर, क्यों क्यों जी है? कैसे ए माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ए ए बिलोंग्स टू, चूंकि ए माइनस ए यही ना है, बराबर कौन सी? 0 कैसा संख्या? इसलिए आर इज रिफ्लेक्टिव, हो गया। अब दूसरा क्या दिखाना है? सिमेट्री। तो उसके लिए क्या करना है? मानिएगा, अब बोलिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन जब परिभाषा दिया रहता है उसी बैक्टीरिय के रूप में, ए बी बिलोंग्स टू आर का अर्थ हुआ ए माइनस बी बराबर कैसा संख्या? ये स्टेटमेंट है या आपको हर हालत में लिख देना है, ठीक है? ए माइनस बी जब इवेन नंबर आया, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तब बी माइनस ए हुआ है बराबर कौन सी? इवेन नंबर। और मॉड के अनुसार जब ए माइनस इवेन नंबर है, माइनस कॉमन ले लिए, तो अगर ये 2 है तो ये और माइनस 2 हुआ है, तो मॉड माइनस 2 का मान तो इवेन की ओर हो जाएगा, इवेन ही होगा। तो अब इसी को ले जाते हैं बी माइनस ए बराबर कितना? इवेन नंबर। तो देखिए ए भी हम लेकर चले थे,